नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और बड़ी खबरों की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर फिर से घमासान मचता हुआ दिख रहा है। विधानसभा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से 2 दिसंबर को ही पारित हो गया, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो वहीं वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण को विवादित करार देते हुए एक लाइन में मामले को नकार दिया। आरक्षण की आग से बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस एक ओर जहां आरक्षण रोकने पर केंद्र सरकार और राज्यपाल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से मात्र चुनावी उद्देश्य की पूर्ति करने का जरिया बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो आरक्षण लागू नहीं होने से न्यायपालिका को प्रभावित हो रही है। सीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस संविधान की शपथ लेकर सत्तासीन है, उसी संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगाना सर्वथा गलत है। छत्तीसगढ़ में बारे में तो आई एम फर्स्ट सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़, माई जॉब इज टू सी दैट छत्तीसगढ़ विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऑल देयर आर ऑल डिस्प्यूटेड मैटर्स एंड यू नो व्हाट हैज हैपेंड एंड इन द डिस्प्यूटेड मैटर्स एज ए गवर्नर। राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल चार चार पाँच पाँच महीने तक के रोक के बैठे, तो यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करें, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकारमय कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने आपको शपथ दिलाई जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो और आप उसी संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्या ये संविधान और राज्यपाल जी के अधिकार आपकी सुविधा के अनुसार होंगे क्या? ये बोलने का आपको अधिकार नहीं है और आप तो संविधान का अपमान कर रहे हैं और आप तो अपने आप को राष्ट्रपति जी, संसद और संविधान से भी ऊपर मानने लगे हैं। आपके अधिकारों की समीक्षा कौन करेगा? नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, कभी उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं की। मुझे लगता है आप तो अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। जरा पहले छत्तीसगढ़ की चिंता कर लीजिए, उसके बाद में राज्यपाल के अधिकारों की चिंता करिएगा। छत्तीसगढ़ में बारे में तो बहरहाल राज्यपाल के बयान के बाद आरक्षण संशोधन बिल ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बिगुल कहीं ना कहीं फूकी जाएगी, आचार संहिता लागू होगा। ऐसे में आरक्षण का मामला अगली सरकार के पाले में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। चुनावी रणनीति में दोनों ही दल आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश भी करेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से चंद्रशेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जो है सुरेंद्र जी आपसे ही है, लगातार राज्यपाल के पास ये जो विधेयक है वो अटका हुआ है। पिछले राज्यपाल थे उनके पास भी कहीं ना कहीं वही स्थिति थी और जो मौजूदा राज्यपाल पहुंचे इनके पास भी वही स्थिति है। इस पूरी राजनीति में, इस पूरी सियासत में जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अटका हुआ है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी और आज संविधान के निर्माता का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बात समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहली बात यह है कि संविधान भी ये बात कहता है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के हित में उठाया गया जो कदम है उसको राजनीतिक कारणों से महामहिम राज्यपाल के द्वारा रोक कर रखना
ये एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अन्य समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करना एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। और इसको या तो राज्यपाल को स्वीकृत देना चाहिए या नहीं तो इसको वापस करना चाहिए, मगर लगातार इसको रोके रखना और इसमें आगे किसी तरह के कदम नहीं बढ़ने से, आप एक चीज समझ लीजिए, तमाम जो आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं, उनकी जो परीक्षा है, उनकी नौकरी है, उनको एडमिशन के संबंध में तमाम दिक्कतें, दुनिया भर की दिक्कतें छत्तीसगढ़ सरकार के सामने खड़ी हो गई है। तो ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर मेरा आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और ये बिल्कुल ही गलत है और छत्तीसगढ़ राज्य के हित में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी आपने तमाम बातें सुनी सुरेंद्र जी की, तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो राज्यपाल के पास विधेयक अटका पड़ा है उसके पीछे सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी का पूरी तरीके से हाथ है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य जो है अधर में अटका हुआ है। आखिर बीजेपी करना क्या चाह रही है? एक तरफ आप सदन में सीधे तौर पर इस पर पूर्ण रूप से समर्थन दे देते ताकि जनता की नाराजगी का कोप का भाजन ना बनना पड़े, और दूसरी तरफ इस तरीके से अड़ंगा लगा रहे हैं चंद्रशेखर जी। जी अपनी बात रखिए। जी मित्रवर, ऐसा है, आज डॉक्टर भीमराव भीम साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं, जो संविधान के रचयिता, निर्माता, विधिवेत्ता, कानूनवेत्ता और अर्थवेत्ता, अर्थशास्त्री के रूप में भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में जिनका नाम, और संविधान का शपथ लेकर माननीय राज्यपाल, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, हमारे छत्तीसगढ़ में पदासीन हुए हैं जी, और वो संविधानेतर कोई विषय को किसी चश्मे से नहीं देख सकते हैं। संविधान के अलावा हम आप राजनीतिक चश्मे से बात करेंगे, लेकिन उनका पूरी तरीके से जो दृष्टिकोण है वो संविधान के परिधि और के मर्यादा में। और मुझे लगता है सुरेंद्र जी चूंकि बहुत वरिष्ठ नेता है, हम सब लोग उसका सम्मान भी करते हैं, मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मित्रवर, जो सरकार के भी विशेषज्ञ हैं और एक प्रकार से संविधान के बारे में जिनकी जानकारी है, उनको भी भले वो ना कहें, उनको भी ये पता है कि ये विधेयक पूरी तरीके से ना तो कोर्ट में और न ही कहीं भी ये टिक सकता है जी। क्योंकि उस समय उनकी तात्कालिक आवश्यकता थी, पॉलिटिकल कंपल्शन अपनी जगह है, राजनीतिक अनिवार्यता के चलते इस विधेयक को दिसंबर में। तो चंद्रशेखर जी तब जब तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे चंद्रशेखर जी, तो इस पर बीजेपी को पहले ही कहीं ना कहीं इस पर तो सवाल उठाना चाहिए था ना चंद्रशेखर जी। राजनीति की गरिमा को हमने कैसे तार तार किया, चाहे कोई हो जी, सरकार में कोई हो, यदि इस तरीके से हम लोग करेंगे तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम आप तो राजनीतिक चश्मे से बात करेंगे, अपने दृष्टिकोण को भी, अपने लक्ष्य को भी उधर रखेंगे, लेकिन एक राज्यपाल जैसी संस्था है जिनको पूरी तरीके से संविधान की मर्यादा और रक्षा का दायित्व है जी। मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार से उनका दृष्टिकोण होगा। आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल पर, राजभवन पर किसी भी प्रकार से आरोप मढ़ना मुझे लगता है एक प्रकार से बेमानी है। और हम अपने साथ ही नहीं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के भी उनको आत्मा को ठेस पहुंचा। चंद्रशेखर जी जब बीजेपी भी समझ रही थी कि तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर सदन में इस पूरे मामले को लेकर, इस विधेयक पर सपोर्ट देने का मतलब क्या था? क्या बीजेपी जनता के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी, इस वजह से सपोर्ट कर दिया गया? जी, ये तो युवाओं के भविष्य के साथ न्याय करने का काम आपका है, आप सरकार में है जी, विपक्ष तो जनता की आवाज को उठाएगी ना, जनता के भावनाओं को प्रतिबिंबित करेगी। और इस दृष्टि से
आपने जो विषय रखा उसमें जो भी संशोधन किया संशोधन का प्रस्ताव रखा और उसके बाद को विधानसभा में पारित किया। बिल्कुल 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 चंद्रशेखर जी, इस पर सुरेंद्र जी की प्रतिक्रिया एक बार जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, सीधे तौर पर ही इनका बीजेपी का कहना है कि हमने जनता का, जन भावना का समर्थन किया है। राज्यपाल किसी भी दल की भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर जी, सुरेंद्र जी, हम ये समझना चाहेंगे कि क्या अब कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, चुनावी समर में आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश होगी? जी, जनता पार्टी ने इस विधेयक को सबका समर्थन किया, तो उसी तरीके से राज्यपाल के पास जाकर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को इस विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह करना चाहिए। बिल्कुल, मगर ये करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी तमाम टीवी चैनलों में और तमाम वक्तव्यों के माध्यम से ये इसको राज्यपाल जी के द्वारा जो विधेयक रोका जाना है इसको सही साबित करने में पूरी तरह से लगी हुई है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की नियत अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाती है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भैया देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है, विधानसभा सरकार ने पारित किया है, तो राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलेगी तो देश में सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है, तो ये मामला जनता की अदालत में जरूर जाएगा। और कांग्रेस पार्टी अपने तमाम तरीके से जनता के बीच में इस आरक्षण के मुद्दे में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी जनता को जरूर देगी, जनता फैसला सुनाएगी इस पर। तो सुरेंद्र जी, इस पूरे मामले को जरूरत नहीं है कि एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बनाया जाए ताकि पब्लिक का जो सपोर्ट है वो पार्टी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ, सत्ता के साथ जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ा मूवमेंट बनेगा ही, बन चुका है जी। दरअसल जहां भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है वहां आरक्षण के मुद्दे पर जो परिचितियां है उसके उसी संबंध में तमाम लोगों का अवगत कराया जा रहा है। और विशेष तौर पे अब अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ा वर्ग का समाज बहुत पिछड़ा नहीं रह गया, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनके सामने समस्या है, मोबाइल खड़ी है और वो लगता है कि ये समस्या उनकी स्वयं की समस्या है। ये बड़ा मुद्दा बनेगा भी और इसको हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे भी। बिल्कुल 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 सुरेंद्र जी, चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण का मुद्दा है, एक तरफ तो आपने कहा कि हमने विपक्ष के तौर पर जन भावना का समर्थन देते हुए सीधे तौर पर सदन में हमने इसको सपोर्ट कर दिया है, लेकिन अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि राज्यपाल सही है अगर वो आरक्षण को रोक रहे हैं, तो आरक्षण रोकने पर अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो जनता के गुस्सा का तो शिकार आपको होना पड़ जाएगा। आप लोग इसको फिर कैसे चुनावी समर में टैकल करेंगे? जी, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है जी, वो संविधान के दायरे से बाहर है जी। उनको भी मालूम इतना नहीं होगा, और पहले भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, आपका मामला सब सुप्रीम कोर्ट में है, तो कोई भी राज्यपाल एक्स वाई जेड मैं उनके गरिमा को किसी प्रकार से प्रतिकूल टिप्पणी करना और किसी के लिए भी, मेरे द्वारा ही नहीं किसी के द्वारा भी उचित नहीं। बिल्कुल, और आप पहले ही जान रहे हैं कि इसको आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आपकी भावना, आपकी नियत ऐसी नहीं है कि आप लोगों के साथ न्याय करें, और जो है जिसी में है उसको आप देना बहाल करें, वो काम करें। और आपने क्यों ऐसा प्लीड नहीं किया, आपके जो भी एक प्रकार से आपको कोर्ट में जिस प्रकार से आपका एक प्रकार से दलील और प्लीड होना था वो क्यों नहीं हुआ, ये आपकी जवाबदारी थी पिछले बार से लेके अभी तक के। आप केवल ये कहें कि भाई बीजेपी रोक रही है, हम दे रहे हैं, आपने दिया क्या, आप किस नियत से कह रहे हैं? लेकिन चंद्रशेखर जी जो युवा है, तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर तो यही मैसेज जा रहा है ना कि जो राज्यपाल है और बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आरक्षण पर इंटरप्शन लगा रही है, जनता तो यही सोच रही होगी जी। चाहे आम लोग हो, चाहे युवा हो, चाहे गांव के लोग, उनको इतने जानकारियां हैं जी, ये इंफॉर्मेशन एज है साहब, सूचना के युग, एक एक चीज को जानते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और आप आपका क्या एक प्रकार से लक्ष्य है, आपका पॉलिटिकल लक्ष्य है, आपको उसमें रहना है, करना है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन लोगों के सामने आप पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं,
आगे भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वक्त की कमी है इसलिए आप दोनों को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरक्षण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सत्ता पक्ष इस विधेयक को पास कराने पर तुली हुई है, राज्यपाल के पास ये तमाम कानूनी क्लॉज की वजह से रुका हुआ है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार जो है एकजुट होकर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा ही नहीं है आरक्षण विधेयक को पास करने की। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में यहीं तक, अगले सेगमेंट